Okay, class 11. Today we learn about the forms of business organization. In forms of business organization, we will discuss about the formation of business. मतलब business किन-किन तरीकों से या किस-किस तरीके से किया जाता है. तो इसमें आपकी सबसे पहली चीज है introduction. Introduction में ये ले लीजिए कि जो business organization होती है वो काफ़ी सारे रूपों में काम करते हैं. इट मीन्स अकेला व्यक्ति भी काम करता है उसमें, ठीक है, एक पूरा परिवार भी काम करता है, कंपनियों का नाम सुना होगा, कंपनियां भी इसमें काम करती हैं. तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स हैं बिजनेस करने के लिए, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक काम करने के लिए अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है. तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे, सबसे पहला है जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका डिपेंड करता है तीन सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से आपका मतलब होता है प्राइवेट, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, प्राइवेट हाथों में सभी चीजों का होना. मतलब वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा बिजनेस जो कि ओन्ड, मैनेज्ड एंड गवर्न्ड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल. मतलब जिसका सारा कंट्रोल किसके हाथों में होता है, प्राइवेट हाथों में होता है, प्राइवेट लोगों के हाथों में होता है, ठीक है. दूसरा पॉइंट है इसमें पब्लिक सेक्टर. तो पब्लिक सेक्टर में वो सारी इंस्टीट्यूशंस या फर्म्स आती हैं जिनका मैनेजमेंट, कंट्रोल, पेमेंट ये सारा किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है. गवर्नमेंट से यहाँ पे मतलब आ रहा है हमारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो सारी गवर्नमेंट इसमें आई है, ठीक है. प्राइवेट सेक्टर की आपकी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकती है, कोई फर्म हो गई, कोई कुछ भी हो गई, आपकी रिलायंस हो गई, ये क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स है. इनका सारा मैनेजमेंट के द्वारा होता है, प्राइवेट हाथों में. गवर्नमेंट में आपकी आ गई वो सारी चीज़ें, सर्विसेज भी हो सकती हैं आपकी, इंडिविजुअल हो सकती हैं, जैसे कि आपके भेल, गेल, सेल, ये सारे इंस्टीट्यूशन क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली फर्म्स हैं, ठीक है. इनमें मैनेजमेंट, पेमेंट सारा कंट्रोल किसके द्वारा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा. जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज होती हैं जिसमें आपका मैनेजमेंट, कंट्रोल जॉइंटली रूप से प्राइवेट और पब्लिक दोनों के हाथ में होता है. जैसे कि इसका सबसे बढ़िया या नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले लो, आपका यमुना एक्सप्रेसवे या लखनऊ एक्सप्रेसवे. इसमें क्या है कि जो इसका मैनेजमेंट का काम था, जो प्रॉपर्टी थी वो किसके हाथों में थी, गवर्नमेंट की है, और उस पर जो अलग वर्क किया है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने किया है. उसके बाद उसका जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथों में दे दिया गया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में दे दिया गया. उसका जो टोल टैक्स वगैरह आता है वो सब कौन ले लेता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, ठीक है. तो इस तरीके से हमारे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर फॉलो हो रहे हैं, ठीक है. इसमें एक तरीके से ये हुआ हम लोग कि प्राइवेट सेक्टर में जो हाथ है वो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, जॉइंट सेक्टर छोटा सा है और पब्लिक सेक्टर भी छोटा सा हिस्सा रहे हैं. इसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में. तो प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट, कंट्रोल प्राइवेटली हाथों में होता है. इसमें सबसे पहली फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि सोल और प्रोप्राइटरशिप, मतलब सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब ओनर. यानी कि इस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अकेला व्यक्ति ही ओनर होता है. यानी कि इसमें ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट, कैपिटल फंडिंग ये सब किसके हाथों में होती है, अकेले उस व्यक्ति के हाथों में होती है. आगे बढ़ते हैं, इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं. फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो इसमें फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें सिंगल ओनरशिप. पहला पॉइंट है सिंगल ओनरशिप. जो इस टाइप की फॉर्म होती हैं उसमें ओनरशिप किसके हाथों में होती है, एक अकेले इंडिविजुअल के हाथ में होती है, एक अकेले व्यक्ति के हाथ में होती है. वो ही सारा इसका मैनेजमेंट का काम करता है, कंट्रोल का काम करता है, ठीक है.
दूसरा है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इस टाइप की इंस्टीट्यूशन कैसे होती हैं, आसानी से स्टार्ट की जा सकती हैं और आसानी से बंद की जा सकती हैं। कोई भी शॉप ले लो, ठीक है, आपने कभी परचून की दुकान है या छोटी सी साड़ी की दुकान है या कोई भी दुकान है, आप कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हो और कभी भी इसको बंद कर सकते हो। इसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, इस वजह से इसको आप कभी भी स्टार्ट और कभी भी क्लोज कर सकते हो। लाइबिलिटीज, इस टाइप के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि इन केस अगर बिजनेस में कोई भी नुकसान होता है तो व्यक्ति को अपने घर से भी लाके पैसे जमा देने पड़ेंगे और उस लायबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसीविंग। इट मींस इसमें जो अकेला व्यक्ति होता है वो ही सारा रिस्क बियर करेगा और इन इसमें जो भी प्रॉफिट होगा उस रिस्क बियरिंग का प्रॉफिट वो खुद अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि सारा रिस्क कौन ले रहा है, वो ओनर ले रहा है। इसके कारण जो भी रिस्क हुआ है उस रिस्क से अगर जो भी प्रॉफिट होगा कौन उठाएगा, वो सोल प्रोपराइटर उठाएगा। नेक्स्ट है वन मैन कंट्रोल। इस टाइप की इंस्टीट्यूशन का जो कंट्रोल होता है वो अकेला व्यक्ति के द्वारा ही होता है, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति उसमें काम कर रहा है, अकेला ही व्यक्ति वो सारी चीज़ें देख रहा है। वो अपने अंडर में सर्वेंट तो रख सकता है लेकिन वो दूसरे ओनर को नहीं रखता। तो इस टाइप के इंस्टीट्यूशन में वन मैन कंट्रोल रहता है, एक ही व्यक्ति का सारा कंट्रोल होता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इस टाइप के इंडिविजुअल में क्या होता है कि जो बिजनेस की एंटिटी होती है, पहचान होती है, वो ओनर से जुड़ी हुई होती है। इस टाइप के इंस्टीट्यूशन में जो ओनर होता है वो ही बिजनेस को रन करता है, चलाता है और बिजनेस भी उसी के नाम से चलता है। इन केस अगर फॉर्म का नाम आप कुछ भी डाल दो लेकिन उसमें ओनर का नाम सम्मिलित रहता है, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस एंटिटी, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बिजनेस की एंटिटी उसके ओनर पर डिपेंड होती है। अगर बिजनेस का ओनर अपनी शॉप पे नहीं बैठता है, कुछ दिनों के लिए शॉप बंद करनी पड़ती है, तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि ओनर के ऊपर भी ही सारा का सारा बिजनेस डिपेंड करता है। तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी यहाँ पे इसका ये मतलब है, अगर ओनर नहीं बंद बैठेगा तो बिजनेस काम नहीं करेगा, ओनर एब्सेंट है तो बिजनेस भी बंद है। नेक्स्ट है स्मॉल साइज। इस टाइप की जो है जो इंस्टीट्यूशन होती है, यानी सोल प्रोपराइटर जो इंस्टीट्यूशन होती है, उसमें जो बिजनेस का साइज होता है वो कितना कैसा होता है, छोटा साइज होता है। छोटे साइज होने के कारण उसमें कंट्रोल मैनेजमेंट सब चीज़ें करना आसान होता है। इस टाइप के इंस्टीट्यूशन में अगर आप बड़ा करोगे तो आपको पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। तो स्मॉल साइज होने के कारण इस टाइप के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से संभाला जा सकता है, ठीक है। इसके आगे के पॉइंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको यहीं पे खत्म करते हैं। ओके क्लास।